बीमारी फैल रही बहुत बीमारी वाली यहाँ पे करो बेटा इधर की बनाने भाई जरा एक किचन की बहुत परेशानी बहुत है। खम्भे तो होना चाहिए, अगर एक भी तार जल जाए तो पूरा इलाका गया। थोड़े लोगों को बाहर इकट्ठा करें, थोड़े लोगों को बाहर इकट्ठा करें, माइक तो बुलवाना है थोड़ा सा। मैं आप छुट्टियाँ पढ़ाई क्या चाहिए खंबे वगैरह लगेंगे यहाँ लगवा दियो अच्छा कभी बकरी चुप के जा रही है, कभी बच्चा चुप जा रही है। सामने कर दो मेरा। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये तारों के बारे में ये देखो। अच्छा आप कहीं गए? नहीं मैं कहीं नहीं, मिराज के पास गया था दो तीन बार। मिराज कौन है यहाँ के? अच्छा आप लोग सब इकट्ठे होके गए थे या एक आध जन गए हैं? और कभी भाई एक दो भी इंसान ऐसे गए हैं, सिंगल सिंगल भी गए हैं। लाइट के बारे में भी गए कि लाइट लग जाए या खंभे लग जाए जी, मगर कोई आता ही नहीं है। सफाई कर्मचारी को बुला के लाओ तो वो कहता है कि मेरा यहाँ पर गली में जितने लोग हैं गिनवा दो तो मैं चंदा करके करूँगा। मैं तो सफाई वाले आते हैं। आप अपना नाम बताएं? शकील है। शकील अहमद जी बताएं क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि यहाँ पर आए दिन तो मौतें हो रही हैं जी, हर बीमारी फैल रही है जी। इधर कोई व्यक्ति देखने वाला है नहीं, कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है इसको। तार वो सब गिर जाते हैं जब बारिश होती है, फेल्ड होते हैं जी। जब आदमी यहाँ पर फंसता है जी,
आती है क्या, कर्मचारी आते हैं आके चले जाते हैं, यहाँ पे कोई देखभाल है नहीं। यहाँ नगर निगम वाले कोई लोग, नगर निगम वाले क्या कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक ऐसा समझ लिया कि कचरा बस्ती कोई आने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ पे कोई खंभा वगैरह नहीं है? कोई ना पोल ना कोई खंभा ऐसे है, तो ये जहाँ तहाँ बल्ली लगा दी है कोई गिर जाती है। जी जी जी, इस वजह से ये है सब। और क्या समस्या है बताएं? समस्या यही है कि यहाँ पे रोड भी नहीं है, रोड पड़ना चाहिए साहब। ये है कि मतलब ये तार सही होना चाहिए, ये बीमारी फैल रही है हमारे यहाँ, ये भी सही होना चाहिए। ये सारी तरफ चारों तरफ कचरा फैल रहा है, गलियों में सब, घरों में पानी भर रहा है, इसी वजह से सब बीमारी फैल रही है हम लोगों के लिए। नाम क्या है आपका? अपना बताओ इनका। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नदीम है। अच्छा, क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि यहाँ पे इतनी गंदगी, इतना कूड़ा है कि मच्छर, और यहाँ पे रात में जब निकल के जाते हैं तो ये देखिए पूरे गिर गए हैं। इनकी ये देखिए, ये हाथ की पूरी कंडीशन खराब हो गई है। देखिए पूरा पैर, इनके बहुत ज़्यादा चोट लगी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, यहाँ पे गंदगी बहुत है, नालियों में से पानी निकल रहा है, या तार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप क्या चाहते हैं इसमें? सर हम तो बस यही चाहते हैं इसका समाधान हो, ये हमारी परेशानी खत्म हो, तार वार सही से हो, ये कचरा साफ हो, यहाँ से सफाई हो, नालियाँ सही हो, रोड रूट हमारा सही रहे, ताकि हमारे किसी मेंबर को परेशानी ना हो। नाम बताएं आप। मेरा नाम शहाना है, मैं गोटे की रहने वाली हूँ जी। और परेशानी यह है कि बच्चों को यहाँ पे किरण लगने से और बरसात में चलने से, और रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, ये भी हमारे लिए लोगों के लिए इबादत का ही महीना है। और ऐसे भी क्या फ़ायदा कि सब असद यहाँ के हैं नेता मिराज अंसारी, हम उनके पास गए कई लोग कई बार, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं करा, ना यहाँ पे नाला इसके बीच में, ना यहाँ पे खम्भे हैं, और ना यहाँ पे नाली की समस्या है। वहाँ के लोग आते कर्मचारी मांगते हैं हमसे, और लाइट टूट जाते हैं, तार फीस हो जाते हैं, तो हमसे पैसा मांगते हैं चीज़ जुड़वाने के लिए। और यहाँ के कई बच्चे मतलब नाली में गिर के भी मर गए हैं, और कई बच्चे किरण से भी खत्म हो गए यहाँ की ये समस्या। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि मतलब अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इबादत करना है, और ये नाली भी साफ़ सुथरी हो, और साफ सुथरे बच्चे भी यहाँ पे रहें, तो इसे आप लोगों को हम याद करेंगे। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है जी। समस्या क्या है? समस्या मैम ये टायर की सबसे ज़्यादा समस्या है, वायर केबल वायर फैले हुए हैं, ये आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं इससे जी। आप कहीं गए हैं? नहीं मैं कहीं नहीं गया। नहीं आपने कहीं जाके सूचना विभाग में मतलब शिकायत वगैरह की? महानगर में किया था एक बार। महानगर में जी। अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और कहाँ गए थे आप? बस वहीं गए थे। यहाँ के सभासद कौन है? मिराज अंसारी। आपने उन लोगों से बोला? हाँ बोला, कई बार बोला, आए भी थे वो लोग देखने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा? उसने बोल के चले गए कि यहाँ लग जाएंगे तो पोल लगवा देंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैम इधर पोल लग जाएंगे तो वायर कम हो जाएंगे, ये जी जी केबल कनेक्शन छोटे हो जाएंगे, फिर इतना फैलेंगे नहीं तारीफ जी। और कुछ बताएं? और ये गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है जी जी जी। चलिए बताएं अपना। मोहम्मद अली अंसारी साहब नाम है मेरा जी। ये इनके चोट दिख रही है चाचा के, इस वजह से अगर रोशनी होती तो ये गटर में उधर गिरते नहीं, नाली में गड्ढा जी जी। और यहाँ पर इतनी गंदगी है, अगर यहाँ पर खंभे लग जाएंगे तो रोशनी नहीं होगी, और यहाँ पर रोड भी नहीं है पड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि वोट हमें दे दो हमें दे दो, आते हैं मगर काम यहाँ नहीं होता, इसलिए कि जब बारिश होगी तो आप देख रही हैं तार हैं, अगर एक भी तार टूट कर गिर गया तो यहाँ पर बच्चे भी निकलते हैं, ज़ईब लोग भी निकलते हैं, सारे लोग निकलते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, सारे लोग रास्ता है, हर एक इंसान जाता गुजरता है। तो अगर जब तार टूट के गिरेगा यहाँ बारिश में तो किरण जरूर लगेगा, और जैसे कि इनके चोट लग गई है, और यहाँ ज़्यादा खैर गरीब बस्ती है तो बच्चे भी जो हैं यहाँ खेलते हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि नाली में रोज कर्मचारी लोग जो है सफाई करने आए, जब सफाई होगी तो पानी भी नहीं भरेगा, जब फिर जो है कि 10 रुपये हफ्ता दें, 20 रुपये रोज दें, तो ऐसा थोड़ी ना होता। तो सभासद को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर कितनी गंदगी है। फिर आपको वैसे ही मालूम है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, क्या आप कहेंगे कि मास्क लगाइए ये लगाइए, तो पहले मोहल्ले की गंदगी दूर करें ना। जब गंदगी दूर होगी, फिर जब गंदगी होती है तो मच्छर भी पैदा होते हैं, जब मच्छर पैदा होंगे तो उससे जो है डेंगू बुखार बनने की समस्या रहती है। तो इसी मारे गुजारिश है कि चाहे वो यहाँ के सभासद हों कहीं के भी, कोई भी नेता लोग हों, कि यहाँ देखें पहले खंभे नहीं है मेन चीज़, अब बारिश 1.5 से 2 महीने बाद शुरू हो जाएगी। आप लोग नगर निगम गए थे? नगर निगम यहाँ के लोग गए हैं, ये हमारे बड़े हैं जो बता सकते हैं, हमारे बुजुर्ग नगर निगम गए थे। हाँ ये कह रहे हैं निगम, बहरहाल फिलहाल जो आपको खुद ही दिख रही है, आप पूरी मूवी बना के डाल दें। नाम बताइए। क्या परेशानी क्या है? अरे हमारा कम्बा है, चौमास में बहुत दिक्कत है तारों से।
अच्छा, और क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है कि तार हट जाए। अच्छा, बहुत दिक्कत है। और क्या प्रॉब्लम है? यही है, करंट आओ इस कमरा में, कोई जैसे ये नहीं आ सकता। कहाँ पे करंट आता है? आपके घर में? हाँ, बाहर ऊपर छत पे खंभा से मिला हुआ। जी जी, उसके कारण आ जाता है।